नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की तरह आज भी हम डेली 12:30 बजे दोपहर को हम यहाँ पर 8 फरवरी 2019 करंट अफेयर्स जो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, आपको लाइव उत्तर देना है। ये जो हम करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं, यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजीसीएमओ, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश पीएससी, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बैंक, रेलवे, एसएससी, सीटेट, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो सिलेक्शन को ध्यान रखिएगा। हम जो यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन रोज़ 10 क्वेश्चन देते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया है। अभी अभी एक एग्जाम हुआ है जिसमें से हमारे करंट अफेयर्स में से ही प्रश्न पूछा गया था। रट लो बस, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके को जो है या करंट अफेयर्स को यदि आप सफलता चाहते हैं तो ये हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफलता अर्जित करें, यही हमारी शुभकामना है, ये हमारा प्रयास है। साथियों, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1, मैन बुकर पुरस्कार किसको नवाजा गया। मैन बुकर पुरस्कार किसको नवाजा गया, ये है एना बर्न्स, बी है अमिताभ घोष, सी है नरेंद्र मोदी और डी है नेहा बजाज। आपको हम कुछ सेकंड दे रहे हैं, आप जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। यहाँ पर ए एना बर्न्स, बी अमिताभ घोष, सी नरेंद्र मोदी और सी है नेहा बजाज। यदि कोई जानते हो तो सही आंसर जल्दी से आप टाइप कर दीजिए, जल्दी से जल्दी टाइप कीजिएगा। तो यदि आपने टाइप कर दिया होगा तो हम इसका आंसर बताते हैं। आइए हम इसका आंसर जानें। ये मैन बुकर पुरस्कार किसको नवाजा गया है, ये हम आपको आंसर बता रहे हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए, आपको जो है सही आंसर हम बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है एरना बंस, ए, ये आंसर सही है। साथियों, ये आंसर सही है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना, आपको पता होगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं नाटो, और 30वां देश अभी हाल ही में बना हुआ है, ये है जापान, बी है चिली, सी है मैसेडोनिया और डी है कोलंबिया। इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, जल्दी से। शायद आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आपने सही आंसर लिख लिया होगा। आइए बताते हैं, इसका सही आंसर है मैसेडोनिया। प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर सी मैसेडोनिया है। आइए हम बात करते हैं तीसरा प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो का फुल फॉर्म हमने बताया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली, बी ब्रुसेल्स बेल्जियम, सी शिकागो अमेरिका, सारालैंड जर्मनी। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तीसरा का सही आंसर जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से दीजिए। आप शायद आपने आंसर का ऑप्शन चुन लिया होगा, आप टाइप भी कर रहे होंगे। यदि टाइप हो गया होगा तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या है, आपको बताना है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। आइए देखते हैं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स है नाटो का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है। आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किसे दिया गया। एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किसे दिया गया, विनिफोर कंपनी, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, भारत गैस कंपनी। सही आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी 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 से बताइए। विनिफोर कंपनी, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, भारत गैस कंपनी, अभी हाल ही में दिया हुआ है एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। याद रखने का, ग्राहम बेल कौन थे, हैं टेलीफोन का आविष्कार करने वाले, ठीक है। और ये जो 3 कंपनी है ये इसी से जुड़ा हुआ है,
चौथा कंपनी जो है गैस से संबंधित है, इसका कोई संबंध नहीं है। ये तीन में से सही आंसर है, आपने शायद दे दिया होगा। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, विनिफोर कंपनी को जो है इसमें नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 कहाँ हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? वर्ड्स काउंट फेस्टिवल 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? अभी हाल ही की घटना है, ठीक है, मुंबई में, पुणे में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, शायद आपने इसका उत्तर चुन लिया होगा। यदि चुन लिया है तो आप जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। आइए इसका सही आंसर देख लीजिए, क्या सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बी, पुणे है, पुणे में यह आयोजन किया गया था। प्रश्न क्रमांक 6, ये भी इसको देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन किसे नवाजा गया, किसे चयनित किया गया? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन कौन बने? अभी हाल ही की घटना है ये। ए, अजय मित्रा, बी, राहुल बजाज, सी, संजीव चड्डा और सी, विजय मित्तल। आपको सही आंसर यदि पता है तो जल्दी से दे दीजिए। ए है, बी है, सी है, ये डी है। ध्यान रखिएगा, विजय मित्तल को हमने डी है, यहाँ पर सी लिखा गया है, टाइप मिस्टेक है, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, टाइप करने नहीं आता है। तो ये टी डी है, विजय मित्तल है, राहुल बजाज है, अजय मित्रा है, संजीव चड्डा है। कौन सा आंसर सही है? सही आंसर आपने दे दिया होगा, इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं, ये संजीव चड्डा सी है। इसका सही उत्तर है संजीव चड्डा, यानी कि फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन संजीव चड्डा बने हैं अभी हाल ही में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किसको मिला, किसको दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017, ए, नरेंद्र मोदी, बी, राहुल गांधी, सी, पीयूष गोयल और डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, रामनाथ कोविंद। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि सभी जगह अब सीसी आएगा, ठीक है, तो इसको सही आंसर आपको बताना है। मुझे लगता है सभी में सी हो गया है, ये डी है, मान के चलिए, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, पीयूष गोयल और रामनाथ कोविंद। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, शायद आपने दे दिया होगा, इसका सही आंसर डी, रामनाथ कोविंद, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्हें ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 मिला। ये अजीब टाइप का प्रश्न है और इसका उत्तर भी है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, दसवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, दसवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? शायद आप लोग जानते होंगे, ये ए, दक्षिण अफ्रीका, बी, भारत, सी, ब्राज़ील, सी, कनाडा। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, दसवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, कितने देश, ब्रिक्स, ब्रिक्स में ही नाम जो है छिपा हुआ है, ये देश का नाम है, इसी देश के नाम के हिसाब से जो है और उसी देश में ही जो है ये शिखर सम्मेलन होता है। ब्रिक्स, स, स आता है लास्ट में, यहाँ पर बी आई आता है, ठीक है, ब्राज़ील, इंडिया है, ये जो है, तो आप बताइए जल्दी से, शायद इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका सही आंसर ए, दक्षिण अफ्रीका, जोहेंसबर्ग में आयोजित हुआ था। जोहेंसबर्ग, नाम सुनते होंगे, जोहेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वहीं पर अभी अभी इसका जो है मीटिंग हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन को देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 120वां, 130वां, 131वां, 132वां। सही आंसर आप जल्दी से बता दीजिए, शायद आपने जल्दी से आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन चुन लिया होगा और आपने टाइप भी कर रहे होंगे, आपने टाइप कर भी लिया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम बताते हैं आपको, जो है मानव विकास सूचकांक का जो भारत का स्थान है 130वां स्थान है, 130 नंबर्स में आता है इंडिया। आइए लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018, ध्यान रखिएगा,
इसमें शिखर सम्मेलन नाम नहीं दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? ए पेरिस में हुआ, बी नई दिल्ली में हुआ, सी सियोल में हुआ और डी बैंकॉक में हुआ। आपको बताना है सही आंसर, आपको बताना है सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, आपने शायद इसका आंसर चुन लिया होगा और आप टाइप भी कर लिए होंगे। हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर डी बैंकॉक में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, ये सही आंसर है दोस्तों। आपने 10 प्रश्न का सही आंसर आपने दिया हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना सही आंसर हुआ, और आप इसी हिसाब से आप अपना तैयारी करना प्रारंभ कर दें। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, बहुत मेहनत करके हम बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि रोज़ इसको नोट्स बना लें, रोज़ नोट्स बनाएं और रिवीजन करते जाएं। तो साथियों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी लिख सकते हैं आपको कैसा लगा। ये 10 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा जाता है। साथियों हम यहाँ पर आपसे विदाई लेते हैं, आज इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।